हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल में तूफान प्रभावित इलाके का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने की मीटिंग। समीक्षा बैठक में आधे घंटे की देरी से पहुंची ममता बनर्जी। बैठक में देरी से पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने तूफान से जुड़ी रिपोर्ट सौंपी, फिर दूसरी मीटिंग में चली गई। ममता के एक नजदीकी का दावा, 20 मिनट देरी से आने को कहा गया था, 15 मिनट की और स्वाभाविक देरी हो गई। सूत्रों के मुताबिक ममता को पहुंचने के बाद भी इंतजार करने को कहा गया, क्योंकि मीटिंग पहले ही शुरू हो गई थी। ममता बनर्जी के रवैये को गृहमंत्री अमित शाह ने अहंकार से भरा बताया, कहा दीदी ने अहंकार को तरजीह दी। ममता के रवैये को रक्षा मंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण कहा, संघीय व्यवस्था की मूल भावना आहत हुई। बंगाल के गवर्नर का बयान, ममता मीटिंग में हिस्सा लेती तो राज्य का ही भला होता। शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर निशाना लगाया, कहा दीदी के व्यवहार में तानाशाही दिखती है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के भद्रक और बालासोर का किया हवाई सर्वे। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में भी यास तूफान से हुई तबाही का जायजा लिया। ओडिशा, बंगाल, झारखंड को 500 करोड़ के राहत का पैकेज, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख। सीएम नवीन पटनायक के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, ओडिशा ने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मांगा। मीटिंग के बाद बोले नवीन पटनायक, देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में आर्थिक मदद मांगने से केंद्र पर बोझ बढ़ता। विवादों के बीच ममता ने दीघा इलाके का दौरा किया, तूफान से नुकसान का जायजा लिया। ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना का भी सर्वे किया, ज्यादातर इलाके पानी में डूबे दिखे। भद्रक में तूफान यास की तबाही का मंजर, लोगों को ऊंचे इलाकों पर शिफ्ट किया गया। ईस्ट मिदनापुर में दिखी तबाही, चारों तरफ मलबा, रिहायशी इलाकों में पानी पानी। पटना में दिखा तूफान का असर, बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। पटना के जलप्रभा इलाके में हॉस्पिटल में भरा पानी, मरीजों को हुई परेशानी। बिहार के कटिहार में सदर अस्पताल में भी बारिश से जल भरा, पानी के बीच काम करने को लोग मजबूर। हाजीपुर के सदर अस्पताल का भी बुरा हाल, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी रूम तक में पानी। गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में ईएनटी वार्ड में पानी भरा, ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए तैयार हुआ था वार्ड। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना लगाया, कोरोना की दूसरी लहर के लिए सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने भारत में मृत्यु दर को झूठ कहा, सरकार से सच बताने को कहा। राहुल ने वैक्सीनेशन पर भी सवाल उठाया, कहा अगर इसी तरह चलता रहा तो 2024 तक पूरी जनता का ही वैक्सीनेशन हो पाएगा। राहुल के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर, भारत में टीकाकरण दिसंबर 2021 से पहले पूरा हो जाएगा। जावड़ेकर ने कांग्रेस पर टीके को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा गड़बड़ी है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, भारत महान नहीं बदनाम है। कमलनाथ के बयान पर शिवराज सिंह का पलटवार, कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, सत्ता जाने के बाद खो दिया मानसिक संतुलन। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने भी निशाना साधा, कहा एक परिवार की चाटुकारिता करने वाले लोग ही इस तरह किस्म का बयान देंगे। डीआरडीओ की कोविड दवा की कीमत 990 रुपए तय, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलेगा डिस्काउंट। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिला प्रशासकों को निर्देश दिया, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों का डेटा शनिवार तक एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर अपलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिला प्रशासकों से कहा अनाथ हुए बच्चों की सभी जरूरतों का ध्यान रखें। भारत बायोटेक का बड़ा बयान, कहा मार्च में बनी वैक्सीन का बैच जून में सप्लाई होगा। कोवैक्सीन के उत्पादन, टेस्टिंग, रिलीज और डिस्ट्रीब्यूशन में 120 दिन लगते हैं। वैक्सीन उत्पादन के लिए सरकार पीएसयू कंपनियों की भी सपोर्ट करेगी। मिशन कोविड सुरक्षा के तहत कदम उठाया। 12वीं परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 31 मई टली, कोर्ट ने कहा तब तक इस पर कोई हल आने की उम्मीद है। देश में 1,86,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव, पिछले 44 दिनों का सबसे कम आंकड़ा। एक दिन में 3,660 लोगों की मौत, करीब 2,59,000 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में 20,740 नए मामले, 424 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 929 नए केस, 30 लोगों ने जान गंवाई। नागपुर में 365 नए मामले, 1,333 मरीज ठीक हुए। आंध्रा में 14,429 लोग संक्रमित, 103 लोगों की मौत। दिल्ली में 1,141 नए मामले, 139 लोगों की मौत। यूपी में 2,402 नए केस, 159 की जान गई। यूपी के 2 जिले कोरोना से हुए मुक्त, 53 जिलों में नए केस 100 से भी कम। सीएम योगी ने ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की, कहा दूसरी लहर खत्म होने की स्थिति में। ओडिशा में 7,216 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 7% के नीचे। मेरठ में कोविड सैंपल कलेक्शन सेंटर पर कर्मचारियों की लापरवाही, मरीज के परिजन ने खुद ही लिया सैंपल। असम के एक स्टेडियम में डीआरडीओ बना रहा है 300 बेड का कोविड केयर सेंटर। गिलियड साइंस ने एम4बी की 50,000 वायल्स भारत भेजी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी। शिमला में ब्लैक फंगस ने पैर पसारे, आईजीएमसी में भर्ती 2 मरीजों की मौत। राजस्थान के कोटा में एक अस्पताल में 3 संदिग्ध ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत। आप विधायक आतिशी का केंद्र सरकार पर आरोप, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को फायदा पहुंचाने के लिए वैक्सीन की कमी पैदा की गई। राजस्थान सरकार ने वैक्सीन की बर्बादी के आंकड़े को खारिज किया, 11,50,000 खुराक की बर्बादी की कही गई की बात। केरल सरकार ने विदेश जाने वालों को दी राहत, पासपोर्ट नंबर के साथ कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी होगा। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, प्रदेश में लगातार वैक्सीन सप्लाई के लिए कदम उठाने की मांग की। यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से अनुरोध किया छात्रों के हित में स्वयं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाए गए प्रतिबंध 30 जून तक के लिए बढ़े, डीजीसीए ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान। दिल्ली में 31 मई से शुरू होगी अनलॉक प्रक्रिया, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया। दिल्ली में सोमवार से शुरू होगी कंस्ट्रक्शन गतिविधियां और फैक्ट्रियां, केजरीवाल ने कहा फैक्ट्रियों में बिना लक्षण वाले मजदूर ही कर पाएंगे काम। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे का बयान, काबू में है कोरोना, बोले पॉजिटिविटी रेट घटने पर पाबंदियों में छूट देंगे। पुणे में वीकेंड पर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को छूट मिलेगी, राजेश टोपे ने जानकारी दी। हरियाणा में 15 जून तक बढ़ाई गई गर्मी की छुट्टियां, कोरोना के चलते सरकार का फैसला। चंडीगढ़ में 29 से 31 मई तक रहेगा वीकेंड कोरोना कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। तेलंगाना में कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, सड़क से ट्रक में लादकर पहुंचाया आइसोलेशन सेंटर। तमिलनाडु में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया, सख्ती के बावजूद राज्य में कम नहीं हो रहे मामले। बिहार के सीतामढ़ी में कोरोना से लापरवाही, सरकारी कर्मचारी के घर शादी में जुटे सैकड़ों लोग, बार बालाओं को भी बुलाया गया। कोरोना काल में रेथॉन को बढ़ाया मदद का हाथ, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपे 4 ऑक्सीजन रिफिलिंग ट्रक्स। कंपनी ने कहा हर ट्रक 2,70,000 लीटर ऑक्सीजन ले जा सकता है। चुनाव आयोग ने केरल में उपचुनाव कराने से इनकार किया, कहा कोरोना की दूसरी लहर की वजह से चुनाव कराना ठीक नहीं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार नवनीत कालरा ने कोर्ट में कहा धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। जापान की राजधानी टोक्यो और 8 बड़े शहरों में 20 जून तक बढ़ेगी कोरोना इमरजेंसी, 23 जुलाई से शुरू होना है ओलंपिक। सिंगापुर में कोरोना रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने से इनकार किया, बुरे हालात से जूझ रहे व्यवसायों को मदद का ऐलान। सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, कहा गूगल, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई कंपनियों ने अधिकारियों के नाम और पते बताए। केंद्र सरकार ने कहा ट्विटर नहीं फॉलो कर रहा है नियम, नोडल ऑफिसर की जगह एक लॉ फर्म में काम कर रहे वकील की डिटेल दी। राहुल ने टूलकिट को खारिज किया, कहा यह बीजेपी का आविष्कार है। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल के बयान को देश का अपमान बताया, कहा टूलकिट कांग्रेस ने ही बनाई। रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय। भरतपुर की सांसद पर बदमाशों ने किया हमला, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने कहा गहलोत सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सिद्धार्थ पिठानी को 5 दिन की एनसीबी हिरासत में भेजा गया। छत्रसाल स्टेडियम में मर्डर के मामले में विजेंद्र नाम का एक और शख्स गिरफ्तार, कुल 9 गिरफ्तारियां। तमिलनाडु में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आईएसआईएस से लिंक वाले एक आरोपी को पकड़ा। राजस्थान के भरतपुर में दिनदहाड़े बाजार में डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या, निजी क्लिनिक चलाते थे पति पत्नी। कोल्हापुर में मराठा आरक्षण के खिलाफ बयान देने वाले डॉक्टर के अस्पताल में तोड़फोड़। यूपी के जौनपुर में ग्राम पंचायत की पहली बैठक में बवाल, डंडे और रॉड से 2 गुटों में मारपीट। बिहार के जहानाबाद में पुलिस वालों पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा, पुलिसकर्मियों ने ट्रिपल लोडिंग बाइक सवार को पीटा था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, एक आतंकवादी ढेर। सोपोर में भी आतंकवादियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़, 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक संकी ने चाकू से पुलिस वालों को घायल किया, 2 और जवानों को गोली मारकर जख्मी किया। म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल राजदूत का बयान, कहा हालात अभी भी खराब है। जापान सागर में मालवाहक जहाज की एक शिप से टक्कर, 9 क्रू मेंबर्स को बचाया गया, 3 लापता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ड्रॉ या टाई होने पर भारत और न्यूजीलैंड साझा रूप से विजेता घोषित होंगे। शनिवार को होगी बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग, आईपीएल के बाकी बचे मैचों पर हो सकता है फैसला। आईपीएल सीजन 14 को बीच में छोड़ने पर बोले आर अश्विन, परिवार के सभी लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। भारत के महिला क्रिकेटर्स को लगी कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट डोज, इंग्लैंड दौरे पर लगेगा दूसरा शॉट। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक, कोविड से जूझ रही से जुड़ी राहत सामग्रियों के आयात में कर छूट की सीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई गई। एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई ने लगाई मॉनेटरी पेनल्टी, 10 करोड़ का भरना पड़ेगा जुर्माना। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में खरीदी बड़ी हिस्सेदारी, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे मजबूत हुआ, $1 की कीमत ₹72.45। सेंसेक्स में 307 अंकों की बढ़त, निफ्टी में भी 97 अंकों की तेजी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।